हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, कल मंडे है, किस तरीके से प्लान करना है सारे ट्रेड्स को, बिकॉज अभी तक का जो पिछला हफ्ता था ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा गया था। मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमारे बहुत अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी मैं डाल रहा हूँ, सब लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्या आप लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके तुरंत ज्वाइन करो, बिकॉज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। कल मंडे की मार्केट है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग थर्सडे की एक्सपायरी का भी एक ऑप्शन ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे मंडे या ट्यूसडे के अंदर, तो आप लोग ज्वाइन रहिएगा, बिकॉज आप वहां पर फायदा उठा सकते हैं। अब मंडे आ गया है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट का सेटअप। और थ्री स्टॉक्स आपको मैं बताऊंगा जो हम लोग बाय करके चल सकते हैं, वो थ्री स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकते हैं और एक इंट्राडे भी हो सकता है। तो अपना ट्रेडिंग सेटअप पे चलते हैं। तो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में बाय करने के बारे में आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, इस पे एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 985 चल रहा है, 1000 रुपीज के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एक डेफिनेटली अच्छी मोमेंटम ये दे सकता है और एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल ये एज अ इंट्राडे ट्रेड भी हमें देखने को मिल सकता है। सो लेट्स मूव टू अर्ली टाइम फ्रेम। ठीक है, सो एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड व्हाट वी आर सीइंग इज यहां पर एक मल्टीपल रिजेक्शन था इस लेवल पे, यहाँ पर इट क्रिएटेड अ शोल्डर, इट क्रिएटेड इन हेड और एक दोबारा शोल्डर है। सो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक अच्छा ब्रेकआउट डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग। लेट मी शो यू। सो एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एक अच्छी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। सो अभी करंट प्राइस 9.85, हम लोग 9.92 के ऊपर बाय कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 30 पॉइंट्स ऑन एन अपसाइड, तो हम लोग 30 पॉइंट्स ऑन एन अपसाइड एक टारगेट एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करा, बाय यूजिंग दिस। सो लेट मी शो यू। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट, मिनिमम टारगेट ऑफ एन इंट्राडे शुड बी अराउंड 1820 to 1822 रुपीज का, और डेफिनेटली आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अब बात करते हैं दो स्टॉक जिसे हम कल भी अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, बट एज अ स्विंग ट्रेड होगा। गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है सिनलाइन। सिनलाइन एक बहुत बढ़िया अच्छे लेवल्स में हमें देखने को मिल रहा है, और अगर इस लेवल पे 120 रुपए के ऊपर जाता है तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। सो लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2018 जनवरी से एक राउंडिंग बॉटम बना, एंड आफ्टर दैट एक कप बना, तो यानी कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मोमेंटम लग रही है, डेफिनेटली इट्स गोना ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि 119-120 का लेवल है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड मोमेंटम। अब टारगेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल से अगर 120 के ऊपर जाता है तो 35 पॉइंट्स और ऊपर, यानी कि 155 रुपीस तक मिनिमम जा सकता है। और अगर हम लोग इस रेंज को लेकर चले तो इस रेंज के हिसाब से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इस ऑलमोस्ट 155। सी, वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 155 इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। There are two stocks right now, IndusInd Bank as an intraday, or we can hold it for a positional if you want to. Inline is a swing trade for approximately around 1.5 weeks holding period. Let's show you all our third and our last trade. So guys, our last day stock is Apcotex. Apcotex, agar aap check karoge, to ye particular stock almost 2020 March pe 63 rupees ka tha, aur iska recent high hai 450. एक बहुत ही बड़ी अप मूव इसने दी है। अभी इसने रिसेंटली अगर मैं बात करूं अप्रैल में ही ऑलमोस्ट 180 रुपीज से ये 380 तक हो गया, आया था 200 पॉइंट्स की रैली दी, कंसोलिडेशन फेज पे गया और अगेन उस लेवल से एक बहुत बड़ी मोमेंटम आई। अभी ये रिसेंटली अगर हम बात करें तो सितंबर 20 मतलब 5 से 6 महीने से ये ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट था। फाइनली इसने इस रेंज का ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एक ब्रेकआउट दिया है, क्लोज करा है। Now yes, we are expecting a very good momentum. The price is currently 398 rupees. ये 401-402 के ऊपर एक बड़ा breakout दे सकता है, and the next target should be around 430-450, which is our previous new lifetime high, और उसके ऊपर भी definitely जा सकता है। So there are two stocks for a swing trading, which minimum holding time period of around 1.5 weeks, और इसके अलावा we have a swing intraday trade as an IndusInd Bank, or we can hold it also as a positional stock also, because it's the stock that is giving a very very good breakout on a higher time frame, and we are expecting a good momentum of 150 points
इफ इट क्रॉस अबव 1000 लेवल एंड टेक अ वेरी गुड सपोर्ट एट दैट पर्टिकुलर लेवल. सो इट्स ऑल अबाउट दीज पर्टिकुलर थ्री स्टॉक्स. नाउ लेट्स मूव अप टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड लेट्स चेक देयर टेक्निकल एनालिसिस. ओके, सो हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया. एक बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे. इफ आई शो यू, सबसे पहले इट क्रिएटेड अ ट्रिपल टॉप, ठीक है. उसके बाद एक फॉल आई, ऊपर गया, पुल बैक लिया, अगेन एक लो फॉल आई, यानी कि लोअर लो लोअर हाई, अगेन एक लोअर हाई, अगेन एक लोअर लो. आफ्टर दैट ये कंसोलिडेशन करा पूरे टाइम, इसने अपने लोस को ब्रेक नहीं करे एंड अब ऊपर गया और इसने अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक कर दिया. दैट मीन्स कि ये जो फॉल आई थी, इस फॉल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट करा है और यहाँ पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है जिसमें इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी है. अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले बॉटम लो और टॉप लो आज इसका. तो ये एक बहुत 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 ही अच्छा लेवल है. अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर आता है और यहां से उठ के ऊपर जाता है, तुरंत बाय कर लेना है, तुरंत हमें बाय कर लेना है. सो अभी जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 17,780 के आसपास, और जो हम बाय करना चाहते हैं, हम लोग बाय करना चाहते हैं 17,730 to 700 के आसपास. कल अगर मॉर्निंग में ये फॉल आती है और इस फॉल के अंदर आता है इस रेंज के अंदर और यहां से उठ के ऊपर जाता है, वी गोना बाय अ कॉल ऑप्शन और यहां पर हम बाय की अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे. अगर नहीं भी आता, लेट्स से कि नहीं आता, तब भी हम बाय कर सकते हैं बिकॉज इट्स ब्रेक इट्स प्रीवियस स्विंग लो हाई, स्विंग हाई, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले चुका है. अब हमारा जो टारगेट है, हमारा देखिए मेनली जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज 17,900 रुपीज का. सो वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर अ टारगेट ऑफ अप टू 17,900 विच इज अ मिनिमम टारगेट, ठीक है. इसकी बात हो गई है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है, अदरवाइज एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसी लेवल पे भी होती है तो भी हम अपनी एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं. बट अगर वो 17,700 के नीचे गया तो ट्रेड नहीं लेना, ठीक है. अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, इसके बाद ओपन इंटरेस्ट के डाटा को स्टडी करते हैं. गाइस, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया. सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है बट थोड़ा सा चेंज है. ट्रिपल टाइप ऑफ डाइप सिनेरियो था, एक कंटिन्यूस फॉल आई, पुल बैक, अगेन एक फॉल आई, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करा, नीचे आया, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करा, अब यहां पर आके पॉज. We need this particular trade, मतलब बैंक निफ्टी को हमें चाहिए most probably ये 37,900 के ऊपर जाके close करे. Yes, we need कि ये 37,880-900 के अगर ऊपर जाएगा we will buy bank निफ्टी. Otherwise, अगर हमें current levels पे कल opening होती है buy करना है तो निफ्टी strong rather than bank निफ्टी. अब याद रखिएगा charts के basis पे निफ्टी ज्यादा strong लग रहा है bank निफ्टी से कम. एक बार ओपन इंटरेस्ट से भी चेक करेंगे और पता लग जाएगा कि किस तरीके से डिसीजन बनाना है. बैंक निफ्टी में सेल का कोई ट्रेड नहीं है, बाय का ही ट्रेड होगा और वो भी जब ये 37,900 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है. अब एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा चेक करते हैं. सो गाइस, मैंने ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन कर लिया. निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो पुट चेंज है 23 मिलियन एंड कॉल चेंजेस 16 मिलियन एंड आउट, तो आई थिंक दैट्स गुड. ज्यादा मेजर भी डिफरेंस नहीं है. इसके अलावा 17,900 पे कॉल राइटर्स ने पोजीशन एग्जिट करी है, पुट राइटर्स ने पोजीशन एड ऑन नहीं करी है, जो कि समझ के बाहर है थोड़ा सा. यानी कि हम ये मान के देखिए हमारा टारगेट क्या है. हमारा टारगेट है 17,900 का. अब वहां पर पुट कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं, दैट मीन्स कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि वहां तक एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है. अब रिसेंटली सबसे पास वाला जो है दैट इज 17,800, जहां पर अच्छा हम लोगों को देखने को मिल रहा है पुट राइटिंग, और सबसे बढ़िया 17,700 पे जहां पर हमें बाय करना है. सो मोस्ट Probably we are expecting, अगर कल गैप डाउन आता है तो पूरा सिनेरियो यहाँ का बदल जाएगा. अगर नहीं आता तो कल बड़ी मोमेंटम आना बाकी है मेरे दोस्तों, ठीक है. बैंक निफ्टी की बात करते हैं. सो बैंक निफ्टी में पुट चेंजेस 8 मिलियन एंड कॉल चेंज 9 मिलियन, तो कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी में. तो यहाँ पर भी आप देख लो जितने लाल है उतने ही हरे हैं, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा. सो ओपन इंटरेस्ट पर भी हमें यही बता रहा है कि एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ओपन इंटरेस्ट पे भी, चार्ट पे भी. तो आप अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मैं लाइव मार्केट पे तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कब क्या खरीदना है, कब क्या बाय करना है, क्या स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एज वेल. और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करिए, आप हमें हर सोशल मीडिया में ज्वाइन करिए बिकॉज वहां पर हर टाइप ऑफ अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं और वहां पर आपकी नॉलेज मार्केट से रिलेटेड और इंक्रीज होती रहेगी. हैव अ वेरी गुड डे गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू सून.